हाँ जी नमस्ते सबको, राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत हम अध्याय 9 निर्देशांक ज्यामिति, इसके अंतर्गत हम आज प्रश्नावली है 9.2, इसके पहले जो उदाहरण है उदाहरण नंबर 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले जो ऑनलाइन क्लास थी इसमें हमने 9.2 के पहले जो उदाहरण थे उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3 के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उदाहरण नंबर 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। इस उदाहरण को हल करने से पहले जो इस ऑनलाइन क्लास के पहले जो आपको बताया गया है या जो उदाहरण आपको बताए गए थे वे उदाहरण या उससे संबंधित प्रश्न जो आपको करने के लिए दिए थे वो भी आपने किए होंगे, किए ना। तो जो आपको एच बिंदु के रूप में दिया जाता है उनको बराबर हल करते रहे, करते हो ना, तो करते रहना, ठीक है। तो अपने को जो एच डब्ल्यू दिया है उस एच डब्ल्यू को बराबर हल करना है। दूसरा, संबंधित प्रश्नावली के सूत्रों को भी अपने को अच्छी तरीके से ध्यान में, ठीक है। अब आज का जो उदाहरण है उदाहरण नंबर 4 वो इस प्रकार है। उदाहरण नंबर 4 है बिंदुओ -3.5 और 4.-9 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु -2.3 किस अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु आ रहा है, जैसे बिंदुओं में माना कि ये हो गया आपका ए बिंदु, इसी तरह से ये हो गया आपका बी बिंदु। ए बिंदु के निर्देशांक है -3.5 और बी बिंदु के निर्देशांक है 4.-9 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु, अब ये बिंदु अपने को दिए हुए -2.3, तो -2 तो हो गया आपका x के लिए मान और 3 हो गया आपका y के लिए मान, ठीक है। किस अनुपात में, अब अपने को यहाँ पर क्या है अनुपात ज्ञात है। इसके पहले वाला जो उदाहरण था उदाहरण नंबर 3 बार भी हमने किया कि अनुपात ज्ञात क्या है। आज की जो उदाहरण नंबर 4 है इसमें भी हमको क्या है अनुपात की अपने को बताना, यानी n1 अनुपात n2 अपने को क्या, ठीक है। दूसरा ये है कि किस अनुपात, ये जो अनुपात है इस ये अनुपात विभाजन बताना, और विभाजन है तो विभाजन जैसे आपका अंतर विभाजन है या बाह्य विभाजन। प्रश्न में जब आपको लिखा हुआ है कि अंतर विभाजन, इसका मतलब आपको अंतर विभाजन वाला सूत्र लगा के उसको हल करना है। प्रश्न में लिखा हुआ है बाह्य विभाजन, इसका मतलब आपको बाह्य विभाजन वाला सूत्र लगा के उसको हल करना। तीसरा, अपने को ये ध्यान में रखना, जैसे अपन ने इसके पहले उदाहरण नंबर 3 देखा था, उस उदाहरण नंबर 3 में एक्स एक्स के लिए आ रहा था तो वहां भी हमने क्या देखा था अंतर विभाजन वाला सूत्र लगा के उस प्रश्न को हल करने की कोशिश, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर माने कि वाई एक्स के लिए आ रहा है तो वहां हमको क्या है बाह्य विभाजन वाला सूत्र लगा के उसको हल करना। अब ज्ञात अपने पास में क्या है किस अनुपात में, इसका मतलब ये कि अनुपात तो अपने को ज्ञात करना, लेकिन विभाजित कौन सा विभाजन है अंतर है कि बाह्य है। जब लिखा हुआ कुछ भी नहीं है अनुपात अपने को दिया कि ज्ञात करना, लेकिन अंतर है कि बाह्य विभाजन भी अपने को लिखा हुआ नहीं है, तो अपने को यहां ध्यान रखना है अंतर विभाजन वाला सूत्र लगा के इसको हल करना, ठीक है ना। लिखा हुआ प्रश्न में अंतर विभाजित, इसका मतलब आपको अंतर विभाजन वाला सूत्र लगा के इसको हल करना ही है। लिखा हुआ जैसे आपको बाह्य विभाजित, इसका मतलब आपको उस प्रश्न को बाह्य विभाजन वाला सूत्र लगा के, लेकिन जब आपको उसने किसी प्रकार का है तो अंतर आ रहा हो नहीं बाह्य आ रहा है, ऐसी परिस्थिति में अपने को ध्यान रखना है अंतर विभाजन वाला सूत्र लगा के ही उसको हल करना है। लेकिन अगर माना कि एक्स एक्स के लिए आ रहा है तो वहां भी अपने को क्या है अंतर विभाजन वाला सूत्र लगा के ही उसको हल करना है। लेकिन अगर माना कि बाह्य वाई एक्स के लिए लिखा हुआ है तो वाई एक्स के लिए लिखा हुआ, इसका मतलब अपने को वहां क्या है बाह्य विभाजन वाला सूत्र लगा के उसको हल करना, ठीक है। तो यह अपने को अनुपात ज्ञात करना, अनुपात यानी कि n1 अनुपात n2 अपने को ज्ञात करना है, लेकिन विभाजन अपने को यहाँ लिखा हुआ नहीं कौन सा विभाजन अंतर है कि बाह्य है, तो यह अपने को अंतर विभाजन वाला सूत्र लगा के इस प्रश्न को हल करना, ठीक है। अब आप ए बिंदु है, ए बिंदु के निर्देशांक -3.5, बी बिंदु के निर्देशांक 4.-9 और रेखाखंड को बिंदु यानी एक्स के लिए एक्स का मान अपने को दिया हुआ है -2 और वाई
का अंतर विभाजन वाला सूत्र लगा के एम1 अनुपात एम2 ज्ञात करें। ठीक है, तो माना कि दिए हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को बिंदु -2, 3 के अनुपात एक। अपने मान लिया अनुपात क्या हो गया आपका के अनुपात एक में विभाजित करता है अंतर विभाजन सूत्र। ठीक है, अनुपात हमने क्या मान लिया के अनुपात ए। ठीक है, अब आप सबसे पहले सूत्र अपने को ध्यान में अंतर विभाजन वाला अंतर विभाजन में अपन एक्स के लिए m1 x2 m2 x1 m1 m लिख लिया। अब लिखने के बाद अपने को क्या करना है यहाँ पर मान रखना सूत्र। तो सबसे पहले एक्स के लिए एक्स का मान अपने पास में एक्स का मान क्या आ रहा है आपके पास में माइनस का 2 आ रहा है तो अपन क्या करेंगे एक्स के नीचे यहाँ लिखेंगे माइनस का 2 बराबर की जगह बराबर वापस m1 x2 m1 अपने पास में। अब आपको अनुपात तो ज्ञात करना है तो आपका m1 और m2 क्या है m1 m2 आपके पास में ये अनुपात एक मान रखना है तो ये आपका m1 तो रहेगा k और m2 हो जाएगा आपका a। अनुपात अपने को ज्ञात करना है तो अपन क्या करेंगे m1 की जगह पे लिखेंगे k और m2 की जगह लिखेंगे a। ठीक है, तो आपको क्या करना है वापस एक्स के लिए तो एक्स का मान तो हो गया -2 बराबर की जगह बराबर m1 की जगह क्या हो गया आपका k m1 और m2 की जगह कोई चिन्ह नहीं आ रहा दोनों के बीच में कोई चिन्ह है क्या नहीं आ रहा m1 और m2 के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं है तो अपने को मालूम है इनके बीच में गुणाकार चिन्ह लगा तो m1 की जगह तो हो गया k और इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं इसलिए गुणा का निशान और x2 का मान क्या रहा आपके पास x2 आपके पास में आ रहा है 4 तो x2 की जगह लिखेंगे 4 वापस प्लस की जगह प्लस m2 का मान आपके पास में क्या है 1 तो अपन क्या करेंगे m2 की जगह पे लिखेंगे 1 और इनटू x1 बराबर क्या है आपके -3 तो माइनस का मान इसलिए अपने को क्या है कि इसको कोष्ठक में लिखना। ठीक है, यानी k इनटू 4 प्लस a इनटू -3 बटे हुए की जगह वापस बटे हुए m1 प्लस m2 तो m1 की जगह वापस अपने को क्या लिखना है m1 की जगह k और प्लस की जगह ये वापस प्लस और m2 की जगह वापस a। ठीक है, तो ये हमने क्या किया केवल पहले सूत्र में मान रख दिया। अब मान रखने के बाद वापस देखो आप -2 बटे हुए ये तो ऐसे के ऐसे लिख रहा है बराबर की जगह बराबर इन दोनों को क्या करेंगे अपन गुणा करेंगे यानी k को अपन गुणा कर रहे हैं 4 से तो 4 को k से गुणा किया 4 के वापस प्लस 1 को -3 से गुणा कर लेकिन ये अलग अलग चीज इसलिए चिन्ह का भी अपने को ध्यान रखना प्लस को माइनस से गुणा करें या माइनस को प्लस से गुणा करें तो क्या आता है वापस माइनस आता है तो अपन क्या कर रहे हैं प्लस 1 को -3 से गुणा कर रहे हैं तो -3 = 3 तो माइनस का 3 वापस बटे की जगह बटे के प्लस 1 के प्लस 1 ऐसे के। ठीक है, उसके बाद अब अपने को क्या करना है वज्र गुणा करना है तो वज्र गुणा करने पर यानी 4 के -3 को गुणा करेंगे 1 से और k प्लस 1 को गुणा करेंगे -2 से। ठीक है, तो वज्र गुणा करने पर 4 के -3 को अपन 1 से गुणा कर रहे हैं किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या आती है तो 4 के -3 ऐसे के से बराबर की जगह बराबर वापस इसी तरह से -2 को गुणा करना k प्लस 1 से तो -2 को पहले k से गुणा करेंगे और -2 को फिर अपन 1 से गुणा करेंगे तो -2 को k से गुणा किया तो -2k फिर इसी तरह से -2 को प्लस 1 से गुणा यहाँ भी चिन्ह का अपने को ध्यान रखना है माइनस को प्लस से गुणा कर रहे इसलिए माइनस का चिन्ह वापस आ जाएगा तो -2 = 2। ठीक है, अब उसके बाद में आपके पास में एक समीकरण के रूप में प्राप्त हो जाए अब समीकरण के रूप में प्राप्त है तो अपन क्या करेंगे k का इधर पक्षांतर कर देंगे और संख्या को अपन इधर पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो 4 के तो ऐसे कैसे पक्षांतर करेंगे अपन चिन्ह का भी ध्यान रखना पक्षांतर में जब संख्याओं को अपन इधर उधर करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं तो -2 के ये जब इधर की तरफ आएगा बराबर से इधर आएगा इसलिए -3 क्या हो जाएगा आपका +2 के हो जाएगा। ठीक है, तो 4 के प्लस 2 के बराबर की जगह ये बराबर उसके बाद -2 ये पहले लिखेंगे उसके बाद पक्षांतर -3 का कर रहे हैं जैसे पक्षांतर करेंगे अपन तो ये -3 क्या हो जाएगा इधर उधर जाके बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो गया चिन्ह बदल गया ये +3।
ठीक है। अब चार के और प्लस दो के दोनों एक जैसे चिन्ह की इसलिए जुड़ गया, तो प्लस प्लस की इसीलिए एक जैसा चिन्ह है तो हमेशा जुड़ता है, चाहे प्लस प्लस है चाहे माइनस माइनस की है। तो प्लस के चार के और प्लस के दो के ये दोनों जुड़ के कितना हो गया छह के, बराबर की जगह ये बराबर। लेकिन अब यहाँ क्या बात की अलग अलग चिन्ह एक प्लस और एक माइनस है इसलिए बाकी निकल गई, लेकिन घटाने में भी अपने को ध्यान रखना है प्लस की बड़ी है कि माइनस की बड़ी है। तो प्लस के तीन में से माइनस दो प्लस की बड़ी है तो आपकी कितना बच गया प्लस का एक बच, ठीक है। अब के का मान चाहिए अपने पास में, तो के बराबर क्या हो जाएगा एक बटे हुए छह, यानी ये छह क्या होंगे इस एक के बटे हुए चला जाए, ठीक है। अब एक बटे हुए छह ये भिन्न के रूप में है, इसको अपन क्या करेंगे अनुपात के रूप में लिखेंगे, तो आपका अनुपात क्या हो जाएगा एक अनुपात छह, ठीक है। तो आपके पास में अभिष्ट अनुपात क्या हो गया एक अनुपात छह, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर माना कि ये जैसे अपन ने एक्स के लिए निकाला था, अगर माना कि आप वापस वाई के लिए भी निकालते हैं इसी तरह से ऐसे कैसे, तब भी आपका अनुपात यहाँ पर एक अनुपात छह ही मिलेगा। इसीलिए अपने को यहाँ पर ये ध्यान रखना है केवल अपन एक्स के लिए ही निकालेंगे, आगे ध्यान दें एक्स के लिए निकालने पर अपने पास में एक अनुपात छह प्राप्त हुआ, ये अभिष्ट अनुपात हो गया। अगर मन है कि बाइक के लिए भी अपन ऐसे कैसे निकालते हैं तब भी अपने पास में एक अनुपात छह ही आएगा, इसलिए अपने को क्या है केवल एक्स के लिए ही निकाल करके अनुपात को प्राप्त करें, ठीक है। अब वापस क्या करना आपको एच डब्ल्यू की कॉपी में पुनः इसी प्रश्न का दोहरान करना, लेकिन इसके पहले शर्त यही है कि आपको वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है, वीडियो अच्छी तरीके से देखने के बाद में इसी प्रश्न को हम क्या करेंगे वापस दोहरान के रूप में आएंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्नावली 9.2 है, उसमें भी आपके इसी टाइप का सवाल और आ रहा है, तो 9.2 के अंदर भी अपन क्या करेंगे ऐसा का ऐसा इस प्रश्न को भी हल करने की कोशिश करें, ठीक है। एच डब्ल्यू बराबर हल करते रहना है और सूत्र को बराबर याद रखते रहना, ठीक है। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।